जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SP क्लासेस पर। आज के वीडियो हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपके यहाँ मोबाइल पर आ जाएगी। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वह है भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो किसको माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे। तो कौन थे सूरदास जी के गुरु। तो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो जल्दी से बताइए, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। खंड काव्य, मुक्तब काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य। तो कामायनी है जो वह महाकाव्य है। किस प्रकार का ग्रंथ है, महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया। तो जल्दी से आप कमेंट में बताइए, कौन कवि थे जिन्होंने यह कार्य किया गागर में सागर भरने का। तो यह कार्य किया है बिहारी जी ने। किसने, बिहारी जी ने गागर में सागर भरने का कार्य। अगला क्वेश्चन है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो कौन सा वह विकल्प है जो महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला है। तो इसका जो आंसर है वह है राजनीतिक समस्या, राजनीतिक समस्या। अगला क्वेश्चन है, वापसी किस विद्या में रचित है। तो जल्दी से बताइए, कौन सी विद्या में रचित है वापसी। कहानी, आत्मकथा, संस्मरण या यात्रावृत्त। तो इसका जो आंसर होगा वह है कहानी। तो जो वापसी है वह कौन सी विद्या में रचित है। तो इसका आंसर होगा कहानी। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तो जल्दी से आप बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है यथार्थवादी। क्या है, यथार्थवादी। अगला क्वेश्चन है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, जल्दी से आपको बताना है। तो कौन होंगे इस पंक्ति के रचनाकार। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है इस पंक्ति के रचयिता, कि सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। कौन है, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। तो किसका नाम लिया जाता है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में। तो इसका आंसर होगा सूरदास। किसका नाम लिया जाता है, सूरदास जी का नाम लिया जाता है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस भाषा की भाषा क्या है। तो कौन सी रामचरितमानस की भाषा, भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या अवधि। तो इसका जो आंसर होगा वह है अवधि। तो कौन सी भाषा है, अवधि भाषा। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन से रस के कवि थे, भूषण किस रस के कवि थे। तो इसका आंसर होगा वीर रस। ध्यान रहे, भूषण जी वीर रस के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आप कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, रामचरितमानस में कितने कांड हैं।
तो इसका आंसर होगा 7। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से आपको आंसर बताना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो कौन है? तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनिए। तो कौन सा है वह विकल्प जो आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करता है? तो इसका जो आंसर होगा वह है तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तलाक से जुड़ी बाल समस्या को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आपको कमेंट में आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इस पत्रिका के संपादक? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र अवस्थी। कौन थे? राजेंद्र अवस्थी इस पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता थे? तो कौन थे रानी केतकी की कहानी के रचयिता? जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। क्या होगा इसका आंसर कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? तो कौन है इस कहानी की रचयिता? तो इसका आंसर होगा इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं? शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं, तो कौन है? जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है वह है बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल गुप्त मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचयिता, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन है? जल्दी से आप बताइए कमेंट में इसका आंसर। रसिक प्रिया के रचयिता तो कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है केशव दास। कौन है रसिक प्रिया के रचयिता? केशव दास जी। अगला क्वेश्चन है, कुटच की रचयिता हैं? तो कौन है कुटच की रचयिता? जल्दी से कमेंट में आपको आंसर बताना है कि कुटच की रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं? तो जो आंसू है वह एक क्या है? काव्य है। तो इसके रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप कमेंट में इसका आंसर। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तपंति की रचयिता हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जल्दी से बताइए कौन है इस पंक्ति की रचयिता? चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इस पंक्ति की रचयिता हैं रहीम। कौन है? रहीम है इस पंक्ति के रचयिता। अगला क्वेश्चन है, अमे हलाहल मध्वरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं रसलीन। कौन है इस पंक्ति के रचयिता? रसलीन, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, जब जब होए धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभियानी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो कौन है इस पंक्ति के रचयिता? जब जब होए धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभिमानी। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास जी इस पंक्ति की रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, परसित सरसहिं धर्म नहीं भाई पर पीणा सम नहीं अधमाई प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो कौन है इस पंक्ति के रचयिता? जल्दी से आपको कमेंट में आंसर बताना है। परसित सरस धर्म नहीं भाई पर पीणा सम नहीं अधमाई। तो इसका जो आंसर है वह है तुलसीदास। तो इस पंक्ति की रचयिता हैं तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन है,
रक्त है या है नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, तो कौन है इस पंक्ति के रचयिता? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुमित्रा कुमारी चौहान? तो इसका आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, तो कौन है सुहाग के नुपुर के रचयिता? तो इसका जो आंसर है वह है अमृतलाल नांगर। कौन है? अमृतलाल नांगर इस पंक्ति के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप कमेंट में आंसर बताइए। क्या होगा इसका आंसर? संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना है। अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो अशोक के फूल निबंध संग्रह है जो, इसके रचनाकार कौन हैं? जल्दी से आप बताइए कमेंट में इसका आंसर। कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका जो सही आंसर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है झरना के रचयिता हैं, झरना क्या है? झरना एक काव्य संग्रह है, तो इसके रचयिता हैं, जल्दी से बताइए, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो कौन है भारत भारती काव्य के रचनाकार? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर कि भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है दोहा कोश के रचयिता हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक बार एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता हैं, तो कौन है दोहा कोश के रचयिता? तो इसका आंसर होगा सरहपा, सरहपा जी हैं दोहा कोश के रचयिता। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो कौन है प्रेम सागर के रचनाकार? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर होगा लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल प्रेम सागर की रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो कौन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक? जल्दी से आप कमेंट में इसका आंसर बताइए कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है प्रेमचंद। कौन है इस कहानी की रचयिता? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, जो तोड़ती पत्थर कविता है तो इसके कवि हैं, तो कौन है इस कविता के कवि? तो इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला क्वेश्चन है हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन है इस कहानी के कहानीकार? तो इसका आंसर होगा सुदर्शन। कौन है? सुदर्शन हार की जीत कहानी के कहानीकार। अगला क्वेश्चन है प्रथम सूवी प्रेम्याख्यानक काव्य के रचयिता हैं, तो कौन है प्रथम सूवी प्रेम्याख्यानक काव्य की रचयिता? तो इसका आंसर होगा मुल्ला दाऊद। कौन थे? मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो कौन है हिंदी के प्रथम गद्यकार? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप कमेंट में बताइए, कमेंट में आंसर जल्दी से बताइए कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो इसका आंसर होगा लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, तो क्या है उस पत्र का प्रकाशित पत्र का नाम? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक बार एग्जाम में भी आ चुका है यह क्वेश्चन कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए, तो इसका आंसर होगा उत्तंड मार्तंड।
तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपके यहाँ मोबाइल पर पहुँच जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वह भी यह वीडियो देख सकें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप में लिखिए, खोजिए IAS स्टडी ट्रैक, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। आप फेसबुक पर सर्च कीजिए SP क्लासेस यूट्यूब चैनल, वहाँ से आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और हम निरंतर ही ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।